दोस्तों, अब जैसे कि हमने लीकेज तो फाइंड आउट कर दिया, अब लीकेज हमें अपने एयर कंडीशनर में पता लग गया है, उसको हमने ज्वाइंट भी कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें न्यू गैस उसके अंदर डालनी है। तो न्यू गैस डालने से पहले उसके अंदर हमें एक स्टेप और फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वैक्यूमाइजेशन। वैक्यूमाइजेशन से क्या करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर एक तरीके से हम कहें जितना भी हमारा मॉइस्चर होगा या जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी, वो सब उसको हटा देगा। तो चलिए इसमें अब उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा एयर कंडीशनर का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले जब भी हम गैस फिलिंग करते हैं, गैस फिलिंग रखने के लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी मेजर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। बिना सेफ्टी के कभी भी आप गैस चार्जिंग मत कीजिएगा। तो सेफ्टी मेजर की हमें क्या क्या टूल्स या क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि सेफ्टी मेजर की हमें ग्लव्स यूज़ करना है, और जितने भी हमें प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस को यूज़ करना है, और प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए गैस चार्जिंग करने से पहले। एक तो हमारे पास वैक्यूम पंप होना चाहिए वैक्यूमाइजेशन के लिए, भी एसी गैस मैनिफोल्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कनेक्शन के लिए। और दूसरा हमारे पास कि जो हमारा एयर कंडीशनर है उसका हमें रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, और हमेशा हमेशा एक तरीके से जब भी आप टेक्नीशियन कोई भी काम करते हो, टेक्नीशियन काम करते हो तो हमेशा बी पेशेंट, हमेशा पेशेंट रखना होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम होता है। तो इसलिए कभी जल्दबाजी मत दीजिएगा, काम को बहुत ही आराम से स्लोली विद सेफ्टी के साथ करना है। तो इसके बाद जो गैस चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम समझते हैं। तो फिलिंग द एसी गैस इज एक्चुअली एन ईजी जॉब, यानी जो एसी गैस होती है उसको फिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, अगर आपके पास एकदम राइट नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, सेफ्टी है और प्रॉपर इक्विपमेंट है, तो आप आसानी से गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो गैस चार्जिंग करने से पहले आपको आपका जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर आपके सर्विस वॉल्व होते हैं, उस सर्विस वॉल्व की पहचान होनी कंपलसरी है, कि कौन सा हमारा सक्शन लाइन होता है, कौन सा हमारा डिस्चार्ज लाइन है, या एक तरीके से कह सकते हैं जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसको हम लिक्विड लाइन भी कहते हैं, कौन सा हमारा सक्शन लाइन है या कौन सा हमारा लिक्विड लाइन है, इसकी पहचान होनी चाहिए। और ये जो सर्विस वॉल्व होते हैं, जो हमारी विंडो एसी होती है, विंडो एसी में तो उसके बैक साइड में होते हैं, लेकिन जो हमारी स्प्लिट एसी होती है, स्प्लिट एसी के जो आउटडोर होते हैं, आउटडोर में होते हैं, तो वहाँ पे यह ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है, हमेशा जो सक्शन लाइन होती है वो डिस्चार्ज लाइन के ऊपर होती है, और जब भी हम उसको टच करते हैं तो उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडा रहता है, ठीक है। वाइल डिस्चार्जिंग द लाइन, और डिस्चार्ज लाइन इसकी होती है वार्म होती है, ठीक है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सक्शन लाइन है और कौन सा हमारा डिस्चार्ज लाइन है। तो सक्शन लाइन हमेशा ठंडा होता है और डिस्चार्ज लाइन हमेशा गर्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। सक्शन लाइन, और ज़्यादा हम सक्शन लाइन को ही यूज़ करना है जब भी हमें गैस चार्जिंग करनी होती है, सक्शन लाइन से ही हम कनेक्ट करते हैं गोज मैनिफोल्ड को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये ऊपर का जो दे रखा है ये हमारा, इसे हम कहते हैं सक्शन सर्विस वॉल्व भी कहते हैं, और ये हमारा सक्शन लाइन में जा रहा है, और ये दूसरा हमारा सर्विस वॉल्व है, लिक्विड सर्विस वॉल्व, इसको हम लिक्विड लाइन है, ठीक है। ये हमारा एवोपोरेटर में जाता है, यहाँ से एवोपोरेटर में जाएगा, और यहाँ से एवोपोरेटर से वापस हमारे इसमें आता है, कंप्रेसर में आता है। तो इस तरीके से ये लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या करना है, क्या क्या स्टेप इसकी फॉलो करनी है, उसको मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से हम गैस चार्जिंग हम अपने एयर कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारा जो हैक्स की है, हैक्स की से हमें क्या करना है, जो हमारा सक्शन लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे सक्शन लाइन है उसको क्या करना है, लूज़ कर देना है, यानी थोड़ा सा लूज ऑन कर देना है हैक्स की से। लूज़ करने के बाद जो हमारा वॉल्व होता है इस तरीके से बना होता है, कि वह लूज होने के बाद भी इसके अंदर से गैस बाहर नहीं निकलती है। जब वह लूज हो जाए तो हमें क्या करना है, जो बोल्ट है, जो हमारा स्क्रू है, उसको क्या करना है, हटाना है। हटाने के बाद जो एसी मैनिफोल्ड का गेज होता है, जो ब्लू हाउस होता है, यानी ये ब्लू वाला जो होता है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है अपने सक्शन लाइन से कनेक्ट कर देना है। और जो हमारा येल्लो है, येल्लो को कनेक्ट कर देना है, हमारा जो वैक्यूम पम्प होता है उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। वैक्यूम पम्प को हमारे किससे कनेक्ट करना है,
हमारा जो येलो लाइन होता है इससे कनेक्ट कर देना है। आपको डायग्राम को थोड़ा समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा दिया हुआ है, ये होता है हमारा क्या, इसको हम कहते हैं लो प्रेशर गोज कहते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देना है किससे, हमें सक्शन लाइन से कनेक्ट कर देना है, या कह सक्शन सर्विस बॉल्व से कनेक्ट कर देना है, और ब्लू को हमें किससे कनेक्ट कर देना है, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये सब कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो स्विच होता है इसको ओपन कर देना है, यानी एक प्लग होगा। प्लग को क्या करना है, आपको सर्किट में लगाना है। सर्किट के बाद आपको वैक्यूमाइजेशन, जो वैक्यूम पंप है उसको ऑन कर देना है। ऑन करने से जो भी आपके आउटडोर के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा या जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो उसको बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये सेटअप को हटाना है। कैसे हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको भी फॉलो करना है, एकदम से कुछ भी अपने हिसाब से नहीं हटाना है, एकदम स्टेप, इसका भी एक स्टेप होता है, स्टेप के हिसाब से फॉलो करना है। देखिए कैसे हमें हटाना है। तो सबसे पहले हम, जब हमें इसको वैक्यूमाइजेशन होने के बाद क्या करना है कि हमारा जो लो प्रेशर गोज मैनिफोल्ड है इसको फिर क्लोज कर देना है। उसके बाद जो हमारा सक्शन सर्विस वाल्व है इसको भी क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो हमारी वैक्यूम मशीन है इसको भी क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद हम अपनी वैक्यूम मशीन और जो गोज मैनिफोल्ड है उसको हटा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो वैक्यूमाइजेशन होता है सिस्टम का, वो वैक्यूमाइजेशन हो चुका है। जब वैक्यूमाइजेशन करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आपकी जो मशीन है वो, यानी कि जो एयर कंडीशनर है, वो हमेशा ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको वैक्यूमाइज कीजिएगा। अब हमारा वैक्यूमाइजेशन हो चुका है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि हम कैसे अपने एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो हमने जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसको लीकेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे भी, वो भी पता लग गया। फिर लीकेज फाइंड आउट करने के बाद हमें कैसे वैक्यूमाइजेशन करना है वो भी हमें पता लग चुका है। अब वैक्यूमाइजेशन करने के बाद जो स्टेप आती है वो आती है हम कैसे हमने अपने एयर कंडीशनर के अंदर गैस को सप्लाई कर सकते हैं। तो गैस को सप्लाई करने से पहले हमें ये दो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा याद रखने। एक तो हमारा जो गोज मैनिफोल्ड होता है वो उसके जितने भी बॉल्स हैं, बॉल्स क्या होने चाहिए, एकदम क्लोज होने चाहिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, जो उसका येलो या एक तरीके से जो कॉमन लाइन होजिंग होती है उसको कनेक्ट कर देना है। किससे, अपने रेफ्रिजरेंट के टैंक से कनेक्ट करना है। रेफ्रिजरेंट से टैंक से कनेक्ट करने के बाद इसका जो लो प्रेशर गोज का होजिंग होती है उसको कनेक्ट कर देना है। किससे, हमें अपने सक्शन सर्विस वॉल्व से कनेक्ट कर देना है। सक्शन सर्विस वॉल्व से कनेक्ट करने के बाद पहले एक सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, इसको येलो होजिंग का जो यहाँ पे एक वॉल्व होता है इसको हल्का सा लूज करना है। लूज करके हम क्या करते हैं, एक सेकेंड के लिए हम अपने रेफ्रिजरेंट को ऑन करते हैं। जैसे एक सेकेंड के हम रेफ्रिजरेंट ऑन करेंगे तो जितनी भी इसके अंदर हवा होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। फिर इसको हमें टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद वापस हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम इसको अपना जो हमारा रेफ्रिजरेंट एक तरीके से हम कहें लो प्रेशर गोज का जो वॉल्व होगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा ओपन करेंगे। ओपन करके हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे कितनी रीडिंग हुई है। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, सेटल करेंगे। फिर इसको हम करने के बाद अब हमारा जो मैन होता है, जो हमारा सर्विस एक तरीके से हम कहें जो हमारा सक्शन सर्विस वॉल्व होता है इसको भी हमें ओपन कर देना है। तो स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमारा तो क्लोज रहेगा, ये हमेशा जो हाई प्रेशर गोज होगा वो हमेशा क्लोज रहेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, और ये भी हमें इसको हमें ओपन रखना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ओपन एंड क्लोज करते जाएंगे टाइम टू टाइम, यानी जब तक कि हमारा प्रेशर नहीं पहुँच जाए जितना हमें प्रेशर उसके अंदर आउटडोर यूनिट के अंदर हमें जितना, या एक तरीके से हमारा जो कंडेंसर है उसके अंदर जब तक हमारा वहाँ तक प्रेशर नहीं पहुँच जाए तब तक हमें क्या करना है, जो हमारा लो प्रेशर गोज का वॉल्व है इसको ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, धीरे धीरे करना है, ये सब एकदम एक ही टाइम में नहीं ओपन कर देना है, ठीक है। जैसे हमारा लो प्रेशर गोज के प्रेशर गोज में हमें दिख जाए कि हमारा प्रेशर वहाँ तक पहुँच चुका है, और जैसे पहुँच जाए तो हमें क्या करना है, जितने भी वॉल्व हैं वॉल्व को क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है, ठीक है। वॉल्व क्लोज करने के बाद यहाँ से वॉल्व क्लोज कर देना है। और एक बार हम अपनी जो हमारा एयर कंडीशनर है उसको स्विच ऑन करके हम चेक भी करेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो उतना ही प्रेशर दिखा रहा है क्या नहीं। वो हमें प्रेशर दिखा देगा, प्रेशर उतना ठीक है, तो हमें अब इसके अंदर और गैस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम बाकी के जितने ही वॉल्व हैं अब क्या कर दें, क्लोज कर दें। वॉल्व क्लोज करने के बाद हम अपने रेफ्रिजरेंट टैंक को भी हटा देंगे। तो इस तरीके से हम अपने एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि हम जब भी मशीन ऑन करते हैं, कभी कभार क्या होता है गैस चार्जिंग के दौरान उसके अंदर गैस ज़्यादा हो जाती है, तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है उसके अंदर जो भी हमारा एयर कंडीशनर है, ना तो उसके अंदर गैस ज़्यादा होनी चाहिए ना ही उसके अंदर गैस कम होनी चाहिए। अगर गैस ज़्यादा होगी तो उसके जो मशीनिंग है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और गैस कम है तो भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारा जो एयर कंडीशनर है उसमें नुकसान आ सकता है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि अगर गैस ज़्यादा हो गई है तो उसमें से अगर पता है गैस हटानी पड़ती है, तो गैस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिकवरी मशीन यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, हमारे आउटडोर यूनिट है, तो आउटडोर यूनिट का जो एक होता है इसका जो वेपर लाइन के हैं, या इसको हम कह सकते हैं जो सक्शन लाइन होगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे लो प्रेशर आउट से, जो लिक्विड एन होगा इसको हम कनेक्ट कर देंगे इससे, और इसका जो न्यूट्रल होगा उसको हम कनेक्ट करते हैं रिकवरी मशीन से, और इसका रिकवरी मशीन के भी दो होते हैं, तो एक को कनेक्ट कर देंगे हम जहाँ पे हमें गैस को रिकवर करना है। इसके बाद हम ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद धीरे धीरे हमारी गैस क्या होगी यहाँ से होती हुई हमारे इसमें टैंक में स्टोर होती जाएगी। जैसे ही हमारा एग्जैक्ट जितना हमें प्रेशर चाहिए उतना पहुँच गया है तो हम अपनी मशीन को बंद कर देंगे, बाकी सब बल्ब को क्लोज कर देंगे और अपने सेटअप्स को हटा देंगे। इससे हम अगर हमारे उसमें एयर कंडीशनर में अगर एक्स्ट्रा गैस आ गई है तो उससे क्या होगा, उससे डैमेज होने के चांसेस है, इसलिए हम रिकवरी मशीन से उसको हटा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी की भी लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं एयर कंडीशनर में, कैसे हम वैक्यूमाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम अगर एयर कंडीशनिंग में गैस चार्जिंग करनी है तो कैसे हम उसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं, या अगर गैस ज़्यादा हो गई है तो कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन होते हैं उनको ये डे टू डे करना ही होता है। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।